तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हमारे पास एक गुड्डा है, बड़ा ही कमाल का गुड्डा है, जिसके आज हम तलावे डालने लगे हैं और आपको इसके साथ साथ सिखाएंगे भी के कैसे तलावे डालते हैं। तो गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। यार सबसे पहले हमने बोला क्या करना है, तो आपको देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो से बिगनर होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि तलावे वगैरह कैसे डालनी है। तो यार सिंपल सी ट्रिक होती है, एक सुराख आपने इधर करना है तरीके लेके और एक आपने करना है इधर, ठीक हो गया। इधर करने के बाद सिंपल से हम एक सुराख इधर कर लेते हैं, एक कर लेते हैं इधर, और जो सी मेन बात होती है ना पीछे वाले जहाँ पे टीला होता है वहाँ पे कहाँ पे सुराख करते हैं, कई लोग इधर सुराख कर देते हैं, तलावे स्टेबल नहीं रहती, गुड्डा घूमता है कभी इधर को जाता है कभी उधर को जाता है, तंग करता है। तो आपने बिल्कुल ही नीचे जाके ना ऐसे कर लेनी है, ठीक हो गया। ऐसे करने के बाद आपने टीले पे जो सी केमिकल बैठी होगी ना उसे ऐसे कर लेना है, ठीक हो गया। तो हमारी केमिकल जो सी है इधर पहुँच चुकी है, ठीक है, आपने इधर से गुजार लेनी है। वैसे हम कर तो उल्टा ही रहे हैं थोड़ा सा, पहले नीचे वाले तलावे वगैरह डाल रहे हैं मगर इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो बिगनर पहले ऊपर की तरफ से तलावे वगैरह डालें, ठीक हो गया। तो वो भी आपको तरीका बता देते हैं कि बिगनर जो से होते हैं अक्सर कौन सी गलती करते हैं। इधर हमने खींच के गिरा लगा रही है, ठीक हो गया। तो गिरा लगाने के बाद हम ऐसे थोड़ी सी केमिकल ले लेंगे, अगर आपकी केमिकल मजबूत है तो आप डबल भी कर सकते हैं। तो हम सिंपल से हमने इधर हमारी बैक साइड पे तलावे डाल ली थी, ठीक हो गया। एक आपने इधर से सिरा गुजारने के बाद ना, ठीक हो गया, मैं अपना गुड्डा यानी कि उल्टा कर लेता हूँ। और मेन बात अब आ जाती है, एक सुराख नीचे करना है एक ऊपर करना है, और ऊपर वाले सुराख है ना जो सा जिससे हमने केमिकल गुजार लेनी है कुछ इस तरीके से। केमिकल गुजारने के बाद थोड़ी सी आपने इधर लगा देनी है गिरा, तो हमारी यानी कि झप भी निकलने वाली है, तो तीला आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब कुछ इस तरीके से आपको सही नज़र आ रहा होगा मगर फिर दोबारा सुसरा हो गया। तो अब जो सी मेन बात होती है यानी कि तलावे वगैरह कैसे स्टेबल करते हैं, ठीक हो गया, आपकी यानी कि गुड्डा ऊपर नहीं जाएगा या घूमे वगैरह का यानी कई लोगों का यानी कि वैसे ऊपर चला जाता है। तो आपने सिंपल सा एक यानी कि उंगली जो सी होती है ना इधर आपने छोड़ के ना ऊपर आपने कुछ इस तरीके से कर लेना। इस तरीके से करने के बाद आप कुछ इस तरीके से करने के बाद ना आपने कुछ ऊपर से गुड्डा उठा लेना है, ठीक हो गया। तो ये गुड्डा थोड़ा सा भारी हो चुका है, यहाँ पर करने के बाद आपने सिंपल सा ना इधर आपने एक गिरा लगा लेनी है। तो गिरा हमने लगा लिया है, तो अब आपको उड़ा के भी दिखाते हैं कि इसकी तलावे वगैरह कैसे स्टेबल हो चुकी हैं। तो यार फाइनली हमने इसकी जो सी तलावे वगैरह थी ना वो डाल ली हैं, तो टेप हमारे पास नहीं थी, ये फट चुका है इसीलिए आपको उड़ा के नहीं दिखाएंगा। मगर आपको पता है कि हमने जितनी बार भी आपको तलावे वगैरह का बताया हुआ है, मेरे चैनल पे भी है, मैंने आपको बताया कि कैसे परफेक्ट तलावे वगैरह डाल सकते हैं, तो इस गुड्डे की भी बड़ी परफेक्ट तलावे वगैरह डाल दी हैं। तो आपने इस भाई ने नया चैनल बनाया, बहुत ही अच्छी वीडियो वगैरह बनाते हैं, ठीक हो गया। भाई का नाम का चैनल है भट्टी, ठीक हो गया, तो थोड़ा सा यूनिक है, ठीक हो गया, उन्होंने अपनी कास्ट वगैरह पे रखा हुआ है। मगर कोई टेंशन नहीं, आपने जल्दी से जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना है। तो आज की जो सी वीडियो थी ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।